हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एंटी एजिंग के लिए बॉटॉक्स सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉटॉक्स होता क्या है, कौन से ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और हमें कौन सा बॉटॉक्स चूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटॉक्स होता क्या है। बॉटॉक्स एक तरह का टॉक्सिन है, जिसे कहना चाहिए कि प्रोसेस्ड टॉक्सिन। प्रोसेस्ड मतलब उसके सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हटा दिए जाते हैं और उसका सिर्फ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट यूज़ किया जाता है। याद रखें, सिर्फ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट। तो बॉटुलिनम क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनाई से ये टॉक्सिन हमें मिलता है एंड इस टॉक्सिन को फिर प्रोसेस किया जाता है, उसके सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हटाए जाते हैं। और इंडिया में बोटॉक्स नहीं बनता, बिकॉज़ इंडिया में इस तरह के फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए बोटॉक्स हमेशा फॉरेन से ही अभी तक इंडिया में आता रहा है। एंड फॉरेन से आ रहा है इसलिए फार मच सेफ़र होता है, बिकॉज दे मैनेज द क्वालिटीज़। बिकॉज इंडियन मार्केट आप जानते हैं कि दे आर नॉट दैट मच इनटू इट टू मैनेज द क्वालिटीज़। नाउ कौन से ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं बोटॉक्स के? तो जो फर्स्ट वन जिन्होंने सबसे पहली बार बोटॉक्स लॉन्च किया था, दैट वाज अलर्गन। हम इसी कंपनी का बोटॉक्स यूज़ करते हैं एंड इट कम्स विद द नेम बोटॉक्स आल्सो, एंड दिस इज़ द बेस्ट बोटॉक्स इन मार्केट। अनदर वन इज़ ज़ियोमिन। ज़ियोमिन भी काफ़ी अच्छा बोटॉक्स है एंड कहना चाहिए बॉटुलिनम टॉक्सिन है। आजकल इंडियन कंपनीज ने भी बॉटुलिनम टॉक्सिन मार्केट में उतारा है, जिसमें रेडीज एक है। लेकिन दिक्कत उनके साथ ये है कि वैसे रिजल्ट्स वो प्रोडक्ट नहीं देते एज़ कम्पेयर टू दिस, बिकॉज़ जो इनका रिफाइनमेंट है और इनकी प्रोसेसिंग है वो काफ़ी थॉरो है। और ये पिछले कहना चाहिए 50 सालों से बोटॉक्स बना रहे हैं, तो जो कंपनी 50 सालों से काम कर रही है तो वो बेहतर ही करेगी। जिसने 1 साल हुआ है काम चालू करते हुए, वो बेहतर नहीं कर सकती। इसलिए कभी भी आप बोटॉक्स करा रहे हैं और पेमेंट दे रहे हैं, तो आइदर गो फॉर बोटॉक्स और फॉर ज़ियोमिन। ज़ियोमिन इज़ अनदर ब्रांड जो कि फॉरेन ब्रांड है, वो बोटॉक्स से भी अच्छा है। लेकिन हाँ, वो उसके जो इंडिकेशंस हैं वो काफ़ी शॉर्ट हैं, क्योंकि जो ज़ियोमिन बना रहे हैं शायद उन्होंने ही इंडिकेशंस काफ़ी शॉर्ट रखे हैं। FDA अप्रूव्ड इंडिकेशन उनके काफ़ी कम है, बट बोटॉक्स के साथ FDA, मतलब कहना चाहिए फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ने काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस इसको यूज़ करने के लिए दिए हैं। इसलिए आप काफ़ी सारे इंडिकेशंस, जैसे कि आपके कहना चाहिए कि फ्राउंड लाइंस हो गई, आपकी क्रोज फीट हो गए। मैंने बोटॉक्स कराया इसलिए मेरे क्रोज फीट आपको दिखाई नहीं देंगे। माथे पे भी मैंने बोटॉक्स लगवाया, बट इन द सेंट्रल रीजन, नॉट हेयर, सो दैट मेरी आईलिड ड्रूप ना हो ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे बोटॉक्स नहीं कराया है। देन मैंने चीक्स के लिए कराया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है बोटॉक्स में, कि हम कहाँ कहाँ पे बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। नाउ अब हम जानेंगे कि जैसा कि मैंने कहा कि बोटॉक्स सबसे बेहतर एंटी एजिंग प्रोडक्ट क्यों है। इसलिए है क्योंकि हम काफ़ी सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि माइक्रोडर्मा पील, जिसे हम स्किन पॉलिशिंग भी बोलते हैं, वो सबसे इनिशियल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। एंड कहना चाहिए जो टॉपिकल रेटिनॉल जो लोग लगाते हैं वो भी स्टेज 1 एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। बट इन ट्रीटमेंट्स के साथ ये है कि आप वैसे रिजल्ट्स कभी नहीं पा सकते हैं जो आपको इनसे मिल रहा है, बोटॉक्स से मिलता है। ऐसा क्यों है, मैं इस पे भी बात करूँगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम माइक्रोडर्मा पील करते हैं तो दैट विल गिव ग्लो टू द फेस। ग्लो फेस प्रोवाइड करता है, बट वो रिंकल्स ठीक नहीं करता। रिंकल्स जो स्टैटिक होते हैं एंड डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जो नॉर्मल फेस हमने बिल्कुल नॉर्मल रखा है तब भी रिंकल बन रहा है, डायनेमिक मतलब जब हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं तब रिंकल बन रहा है, दिस इज़ डायनेमिक। तो इस तरह के रिंकल्स पे तो वो बिल्कुल ही काम नहीं करता, और स्टैटिक रिंकल्स पे वो बहुत ही कम काम करता है। नाउ सेकेंड थिंग जो कि हम एंटी एजिंग में यूज़ करते हैं, दैट इज़ लेज़र्स, जिसमें हम यूसेज लेज़र भी यूज़ करते हैं, IPL लेज़र भी, इंटेंस पल्स लाइट लेज़र और CO2 लेज़र।
ये तीनों लेज़र और अर्बियम या थर्ड फोर्थ वन है जो कि और भी हायर और बेटर लेज़र है, एंटी एजिंग में यूज़ होता है। एंड फिफ्थ वन इज़ MNRF, माइक्रो नीडलिंग RF, जो कि एंटी एजिंग में यूज़ होता है आज के टाइम में। तो ये सारे ही लेज़र के इफ़ेक्ट्स बहुत शॉर्ट हैं, मतलब आपने लेज़र कराया, आपको रिजल्ट रहेगा 15 to 30 days एंड देन इट गेट्स वेन ऑफ। और अगर आपने 5-6 सेटिंग भी ली हैं तो आपको वैसा रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा जो इससे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट मसल्स पे काम करता है। ये जो मसल्स अंदर हैं जो एक्सप्रेशन में हेल्प कर रही हैं, जैसे कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला, अरे ये क्या हो गया, दिस इज एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन मार्क वाला साइन वाला एक्सप्रेशन, इसमें हमारे जो फ्रंटेलिस मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जब ये लाखों बार कॉन्ट्रैक्ट करती है तब यहाँ पे हमारे झुर्रियाँ आती हैं, क्योंकि स्किन पे उस मसल के कॉन्ट्रेक्शन का इफ़ेक्ट होता है जिससे कि वहाँ पे फैट लॉस होता है, प्लस वो मसल भी हाइपरट्रॉफीड होती है एंड धीरे धीरे एज के साथ वो मसल एट्रोफी होती है और यहाँ पे दरारें आने लगती हैं, यहाँ पे हमको रिंकल्स आने लगते हैं। तो इसलिए हम बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं उस मसल को कहना चाहिए कि टेम्परेली पैरालाइज करने के लिए। टेम्परेरी का मतलब समझिएगा, ना कि परमानेंट। टेम्परेरी ये बोटॉक्स 6 महीने तक यहाँ पर काम कर सकता है, 4 to 6 months मोर एग्जैक्टली, एंड उसके बाद ये खुद ही इसका असर ख़त्म हो जाता है। मतलब आपका पूरा जो एक्सप्रेशन के जो मसल के एक्सप्रेशन है वो पूरे वापस आ जाते हैं 100%। एंड अगर आप इसे फिर से लगवाएंगे तो वो फिर से काम करेगा 6 months एंड फिर से चले जाएंगे। लेकिन इसको सही तरीके से लगाना ज़रूरी, उस पर हम बाद में बात करेंगे कि इसके कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे इंडिकेशंस हैं और कितना हम थोरली बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसके रिजल्ट्स बाकी प्रोसीजर से अच्छे क्यों, क्योंकि ये हमारे फेस को कोई 35 years ऑफ एज का पेशेंट है तो उसे 25 साल का बना सकता है, जो कि लेज़र से इम्पॉसिबल है। नाउ द सेकेंड थिंग विच इज़ अचीवेबल विद दिस बोटॉक्स इज कि ये हर एज में काम करता है। एक वक्त के बाद, जैसे कि कहना चाहिए 45 years के एज के बाद, सिर्फ कुछ ही लेज़र हैं जो काम करते हैं एंड उनके भी बहुत ही कहना चाहिए कि मल्टीपल सेटिंग्स करने पड़ते हैं तब रिजल्ट आते हैं। सो से हमने मान लीजिए सिर्फ 3,000 रुपये लेज़र का लिया और 6 सेटिंग किए हर महीने में एक, तो 6 महीने में हमारे करीबन 18,000 रुपये खर्च होते हैं। एंड बोटॉक्स आपने 6 महीने एक बार सेटिंग लिया सिंगल, एंड इसका एक फुल फेस करने के लिए हमें सिर्फ 50 units ऑफ बोटॉक्स लगता है, जिसका कॉस्ट भी अराउंड 18 to 20,000 ही आता है। मतलब एक सेटिंग लेने के बाद हमें 6 महीने के लिए 5 to 10 years बैक पहुंचा दिया इस प्रोडक्ट ने। लेकिन लेज़र का आपने अगर उतना ही अमाउंट खर्च किया, मतलब कहना चाहिए 18 to 20,000, एंड आपको वो कहाँ तक पीछे पहुँचाएगा, सिर्फ एक साल भी नहीं, एक साल भी आपकी एज पीछे नहीं जाएगी, जबकि ये प्रोडक्ट आपको 5 years to 10 years पीछे पहुँचा देता है आपकी एजिंग में। तो दिस विल गिव यू अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन योर फेस एज कम्पेयर टू दोज अर्लियर प्रोडक्ट्स और अर्लियर लेज़र्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ भी हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप एंटी एजिंग के बारे में सोच रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉर एंटी एजिंग। एंड इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड्स बॉलीवुड्स इवन नेता लोग आजकल बोटॉक्स कराते हैं ताकि उनकी एज जो है वो फ्रीज हो जाए फेस की। एंड ये इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आप लाइफ टाइम तक बोटॉक्स ले सकते हैं, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एंड ज़ियोमिन अगर आप लेते हैं तो उसमें एंटीबॉडीज़ भी नहीं बनती एज़ कम्पेयर टू बोटॉक्स। बोटॉक्स भी बहुत सेफ़ है, मैं अपने ऊपर खुद ले रहा हूँ एंड मैं 2 बार ले चुका हूँ। माई थर्ड टाइम विल कम इन डेफिनेटली आफ्टर 3 months, तो आई विल अगेन गो फॉर बोटॉक्स। एंड मेरी वाइफ डॉक्टर पूजा गुप्ता, शी इज़ ऑल्सो टेकिंग, एंड अभी तक हम काफ़ी पेशेंट्स में बोटॉक्स लगा चुके हैं एंड एवरी वन इज़ टोटली सेटिस्फाइड विद इट। ऐसा रेयरली, मेरे एक केस था जिसमें रिजल्ट्स नहीं आए थे, सो वी रिफंडेड द हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ हर। सो हम हमेशा याद रखते हैं और कोशिश भी करते हैं कि आपको रिजल्ट ज़रूर मिले। ऐसा बहुत कम क्लिनिक्स होते हैं जो बोटॉक्स करने के बाद पैसा वापस करें, बट वी आर वन ऑफ देम। एंड बोटॉक्स
इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है आज की लाइफ में कि हम आज के टाइम में जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमने जो पैसा कमाया है उसे हम यूज़ कर सकें खुद के ऊपर। एंड एज से, एज डिफाइंग ट्रीटमेंट से अच्छा कुछ नहीं होता, बिकॉज इट गिव्स अस यूथ, एंड यूथ आप खरीद नहीं सकते आज के टाइम में, एक्सेप्ट फॉर दिस वन, यू कैन बाय दिस यूथ। बट दूसरी चीज़, और जो ट्रीटमेंट्स हैं उससे यूथ खरीद पाना और या फिर यूथ को मेंटेन रख पाना बहुत ही मुश्किल है एंड बहुत कॉस्टली है। जो आज के टाइम में नए लेज़र आए हैं उनके ईच सेटिंग का कॉस्ट 6,000 जाता है और इवन 10,000 तक। मान लीजिए आपने 6 महीने तक उनको कराया तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 60,000 to 1 lakh, और ये सिर्फ आपको 20,000 कॉस्ट करता है, मतलब 5 गुना सस्ता, 4 से 5 गुना सस्ता है लेकिन उनसे 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट देता है। तो गो ऑलवेज चूज़ बोटॉक्स ओवर दोज ट्रीटमेंट्स, बिकॉज मैं खुद भी करा रहा हूँ इसलिए। थैंक यू वेरी मच।